हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी के कंसीव होते ही घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, लेकिन कई बार ये खुशियां दरवाजे तक दस्तक देकर ही लौट जाती है। मेरा मतलब है कि महिलाओं का गर्भपात हो जाता है और कई बार मामूली सी ब्लीडिंग को देखकर ही महिलाओं को लगता है कि उनका मिसकैरेज हो गया है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्भपात होने के कारण क्या होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो नॉर्मल ब्लीडिंग थी या फिर आपका मिसकैरेज हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं में मिसकैरेज होता क्यों है। तो महिलाओं में गर्भपात तीन मुख्य कारणों से होता है। नंबर वन है लाइफस्टाइल की वजह से, नंबर टू खान पान की वजह से और नंबर थ्री मेडिकल और जेनेटिकल रीजन से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान लाइफस्टाइल की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले जो लाइफस्टाइल था वही लाइफस्टाइल अगर आगे रहा तो मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। आजकल के लाइफस्टाइल में जहां महिलाएं घर और ऑफिस दोनों की ही काम करती हैं, ऐसे में उनका लाइफस्टाइल बहुत टेंशन वाला हो जाता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा, महिलाओं के खान पान की वजह से भी उनका मिसकैरेज हो जाता है, जैसे कि काम के चलते थकावट हो जाती है जिसके लिए महिलाएं कॉफ़ी का सहारा लेती हैं, लेकिन कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी एक कारण होता है मिसकैरेज होने का। तो ऐसे में आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ये सब पीना छोड़ दे। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करती हैं तो वो भी छोड़ दे, क्योंकि ये कुछ मुख्य कारण होते हैं महिलाओं में मिसकैरेज होने के। इसके अलावा मेडिकल और जेनेटिकल कारणों से भी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है, जैसे कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले पता ही नहीं होता कि उनका थायराइड का लेवल क्या है। ऐसे में अगर उनके थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो गर्भाशय पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। वहीं अगर थायराइड का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइन इतनी मोटी नहीं हो पाती कि जिसकी वजह से एम्ब्रियो इस पर चिपक सके, जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकल कारणों से भी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है और कई बार महिलाएं खांसी जुखाम होने पर ऐसी दवाइयां खा लेती हैं जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मिसकैरेज हो गया है या नहीं। प्रेगनेंसी के सफर में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन हर ब्लीडिंग को मिसकैरेज नहीं समझा जा सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है या नहीं। तो ऐसे में अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ये एक सिम्टम्स है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। कई बार ये सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी दिखाई देते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसा होने पर अपने डॉक्टर से तुरंत कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको एक दिन से ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है और ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो भी एक लक्षण है मिसकैरेज होने का, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फिर हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है जो 2 से 3 दिन तक लगातार हो रही है तो ये भी एक लक्षण है आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर आपको हल्का स्लेटी या फिर गुलाबी ब्लीडिंग हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका मिसकैरेज होना शुरू हो गया है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कॉन्टेक्ट करें ताकि जाँच करके पता लगाया जा सके कि आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल है या फिर मिसकैरेज। उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।